मैच शुरू करें। अच्छा, राजदीप सर ने एक किताब लिखी है, आज हिंदी किताब का विमोचन होगा। उससे पहले मैं छोटी सी बात ये करना चाहता था कि कई सारे क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो किताबें लिखते हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज ज़रूर पढ़ी होंगी। मेरे साथ बिशन बेदी जी हैं और मैं छोटी उम्र से इनको देखता आया हूँ और मैंने बचपन से ये सुना था कि ये पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, तो लिखने वाले तो बहुत आए लेकिन क्रिकेट पर और क्रिकेट के अलावा पढ़ने वाले जो हैं बहुत कम थे, तो मुझे लगता है इस बात पर तालियां होनी चाहिए। सर, मुझे लगता है सबसे पहले किताब का विमोचन कर दें, डेमोक्रेसी इज 11, राजदीप जी ने किताब लिखी थी, आज उसका हिंदी संस्करण जो है उसका विमोचन करते हैं। लोकतंत्र के सितारे, केतन और वाणी प्रकाशन से अरुण महेश्वरी जी भी मेरे ख्याल से स्टेज पर आएंगे। केतन ने इस किताब का अनुवाद किया है, केतन के बगैर ये किताब नहीं बनती और वाणी के बगैर ये किताब नहीं होती, क्योंकि वो प्रकाशन उन्होंने ये किताब प्रकाशित की है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप खोलो भाई, मखमली कपड़ा है। मेरे पास आप जरूर ये किताब खरीदिएगा, क्योंकि इस किताब के जितने भी पैसे जाते हैं वो मुझे नहीं मिलते। हमने एक फंड शुरू की है जहां स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है या प्लेइंग किट नहीं है, उन सब स्कूलों को दे रहे हैं, कश्मीर से लेके यूपी बिहार तक, वहां स्कूलों में जहां प्लेग्राउंड नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है वो उस फंड में जाता है। तो आप ज़रूर खरीदिएगा, सेल्फी मत खरीदिए, किताब खरीदिएगा। मेरे ख्याल आप सेल्फी और ऑटोग्राफ भी तो देने वाले हैं ना सर? हाँ, नहीं, इसके बाद करेंगे, वो उसमें डील है कि जैसे ही किसी को सेल्फी चाहिए उन्हें किताब खरीदनी होती है। किताब खरीदिए नहीं, सिर्फ पढ़िए भी प्लीज़। हाँ, और पढ़िए भी, बिल्कुल। थैंक यू सर। राजदीप जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। बिशन पाजी को मुबारकबाद दे दीजिए, दादाजी बन गए आज ही। मेरा रोल उसमें बहुत बेरस मिनिमम। नहीं उसमें, और नहीं विक्रांत भाई, अब बात तो सुनिए। नहीं नहीं विक्रांत भाई, उसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये दूसरी बार आ, 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 इस बार दादाजी बन गए, पहले तो नाना बन गए, दोनों बेटियाँ हो गई हैं, उनके जिंदगी में हमेशा महिलाएं होती हैं हर तरफ, अब और दो बेटियाँ हो गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इसका इसके साथ मैं सहमत हूँ। अच्छा, एक और तो नहीं कह दिया बेटी पैदा भी करो? नहीं, बड़ी मजेदार बात है कि बेटी का नाम होंगी तो ये दुनिया आगे जाएगी। बिल्कुल। इसमें राजीव सर, आई एम श्योर जब बिशन बाजी कप्तान थे, क्योंकि किताब तो क्रिकेट की भारत के सफर पे है ना कि कहाँ से कहाँ आए, तो बिशन बाजी की तस्वीर इसमें कौन सी है? वो यहाँ तक बटन खुले वाली तस्वीरें होंगी उनकी, वही तस्वीर आती थी बॉल करते की? नहीं, अगर आप देखें इसी किताब में उनकी एक तस्वीर है, वो योगा सिखा रहे हैं, वो योगा एक इंग्लैंड के क्रिकेटर एलन नॉट को सिखा रहे हैं, और ये 1972-73 की बात है, यानी कोई स्वामी रामदेव भी नहीं थे, कोई नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थे, अपना सेल्फ प्रमोशन करते हुए योगा डे ये वो, बिशन सिंह बेदी खुद योगा करते थे क्योंकि उनको योगा से, मुझे लगता है तब वो बड़े बड़े बारीक थे, ये मोटे तो अब हुए हैं। पोस्ट रिटायरमेंट अपने आप को देख लीजिए प्लीज। बट ही वाज वेरी फिट। इफ फिटनेस वाज इन दोज डेज, इतनी मेन स्ट्रेंथ नहीं थी हमारी, एंड मुझे इस बात की कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कहने में कि मैं शायद इस टीम में, भारतीय टीम में, आई वाज द मोस्ट अनफिट athlete, or no, not to put it that way, I was the poorest athlete in the side. I had to do something to put my weight somehow. पर इस सर इस पिक्चर में देखिए, आपने बिल्कुल एक
पूरी तरह से ये बड़ा फ्लेक्सिबल लग रहा है। एलन नॉट मेरा थोड़ा भगत था, बिकॉज वो भी बिलीव करता था स्ट्रेचिंग में, एंड वेल वी गॉट लॉन्गर राइट यू नो। लेकिन भाजी क्रिकेट बड़ी क्योंकि आपने खेली जिस जमाने में, मदन जी थोड़ा लेट आए, जिस जमाने में आपने क्रिकेट खेली, कहते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम बड़ौदा, होलकर, महाराष्ट्र, मुंबई ऐसे होती थी, इंडियन टीम नहीं होती थी। शायद नवाब पटौदी पहले कप्तान थे जिन्होंने सबको आकर कहा कि आप हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। Yes, he was by far the best captain I can ever think of. वो पहला भारतीय कप्तान था जिसने हम सबको टीम मीटिंग्स में ये बतलाने की चेष्टा की थी कि देखो भाई, हम पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र या बंगाल या मद्रास के लिए नहीं खेल रहे, हम भारत के लिए खेल रहे हैं। अभी प्लेइंग फॉर इंडिया, थिंक इंडिया, ही वाज द फर्स्ट कैप्टन टू डू दैट एंड आई कैन नेवर फॉरगेट इट। अच्छा, आज विराट कोहली कप्तान है और शायद वक्त इतना बदल गया है कि विराट कोहली ने एक फ़ैन को ये कह दिया कि अगर आपको मेरी या किसी और हिंदुस्तानी बैट्समैन की बैटिंग पसंद नहीं आती तो मुल्क छोड़ दो। 1977 में आप कप्तान थे, वैसलिन एपिसोड हुआ था, सॉरी वैसलिन एपिसोड जो 1977 में हुआ था, आप भारतीय कप्तान थे, आपको तो आप ही के बोर्ड ने पनिश कर दिया था। ये वक्त इतना कितना बदला कि वहाँ पर भारतीय कप्तान को BCCI ने पनिश किया सच बोलने के लिए, आज का भारतीय कप्तान कहता है कि जिसने मुल्क छोड़ना छोड़ दो, कोई उस पर बोलता नहीं है। Well, दोनों सच थे, वो भी सच था ये भी सच है। तो मुल्क छोड़ दे? No, सच ये है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं ये रविश, एज ए नेशन वी आर टॉलरेटिंग। उस वक्त मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ICC जो थी, इट वॉज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट वॉज कॉल्ड इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जहाँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैड अ राइट ऑफ वीटो। उस वक्त भारतीय जो बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव थे वो ICC मीटिंग अटेंड करने जाते थे एक भिखारी के माफे। आज जो ICC है, हैज इक्वल राइट्स फॉर ऑल द बोर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। उन दिनों में जो गारंटी मनी भी होती थी, ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश टीम और वेस्ट इंडियंस, इनको ज़्यादा गारंटी मनी मिलती थी। आज चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे जिम्बाब्वे है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, दे गेट द सेम काइंड ऑफ गारंटी मनी, वेरीड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडिंग, बट गारंटी मनी इज द सेम। वेस्ट इंडियंस गेटिंग द सेम गारंटी मनी नाउ एज इंडियंस वुड बी गेटिंग इन वेस्ट इंडीज, यू नो। तो ये एक थोड़ी सी तहजीब मैं समझता हूँ कि ठीक हुई है कि भारतीय बोर्ड को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ रहा। अभी बाकी आके झुकते, पहले झुकते थे, ईमान से झुकते। अब मेरे पास जो समय है वो मेरा दुश्मन है इस वक्त, क्योंकि कई चीज़ें मैं चाहूँ भी शेयर करने के लिए तो समय इजाज़त नहीं देगा। आज मंच अच्छा है, आप कर सकते हैं बात। नहीं, टाइम होगा नहीं, मौसम भी अच्छा है। मौसम अच्छा है और सब सुनना भी चाहते हैं। मौसम अच्छा है तो आपको सुनना चाहते हैं लोग। नहीं, सुनेंगे, हम बात करेंगे। आप ये किताब के बारे में जिक्र कर लें भाई थोड़ा, क्योंकि आई डोंट वांट राजदीप सैटिस्फाइड टू फील ही इज अ 12th मैन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं क्रिकेट का आशिक हूँ। और आप बहुत बड़े आशिक हैं हुजूर, सिर्फ अच्छा क्रिकेट के आशिक नहीं हैं आप, मोदी साहब के भी बहुत बड़े आशिक। ये कहाँ से आ गया, मोदी जी भी चक्कर पे खाएंगे? आपके जो न्यूज आइटम होती है हर वक्त। नहीं सर, ऐसा ये मैं इनको दोबारा कहना चाहता हूँ, दोबारा तिवारा, कि इनका जो प्रोग्राम आता है दो आदमी बिठा लेते हैं वहाँ पे, एक BJP का, एक कांग्रेस का, बस आप ये 45 मिनट गुजार लेंगे दोनों एक दूसरे को अटैक करते हुए, तो इनका समय बीत जाएगा। अब वो हरकत मेरे से नहीं होगी हुजूर। पाजी 1983, मतलब ऑब्वियसली हम में से कई ऐसे, आप में से कई ऐसे होंगे कि शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको 25 जून की रात भी याद होगी। क्या वो एक ऐसा मोमेंट था जैसे
बिशन पाजी का वक्त एक स्ट्रगल का दौर था, स्ट्रगल चलती रही। वो एक रात उसी ने सारी भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदली, जहां पर हिंदुस्तान में बीसीसीआई को लगा कि ये पावर सेंटर हो सकता है, यहां से पैसा आ सकता है, हमें देखा जाता है। क्या वो एक रात ने सब कुछ बदला? शुरुआत तो मैं ऐसे करूंगा कि काफ़ी जो हमारे दर्शक यहां पे बैठे हुए हैं कि मैं और बिशन पाजी एक ही शहर को बिलोंग करते हैं, अमृतसर को, और हम एक ही कॉलेज था हमारा और एक ही हमारा उस्ताद था मिस्टर ज्ञान प्रकाश जी, एक ही हमारे गुरु थे। तो हमने काफ़ी इनको देख देख कर अमृतसर में क्रिकेट खेला है। ये हमारे मेंटर भी होते थे हमें, मतलब जो भी आपके आजकल जो वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिकेट में वो, तो ये तो इनको इंट्रोडक्शन हुई। और बाकी मैं राजदीप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि आप जो भी इस किताब के जो अर्निंग है, जो भी इसकी जो पैसे हैं, वो आप बच्चों में जाकर उनको सामान लेके दे रहे हैं या उनको फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि देखिए कई ऐसे जगह हैं, टैलेंट जो है छोटे छोटे गाँव में भी है आजकल, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे शहरों से भी आ रहे हैं, अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए तो। इसी एक कारण यह भी है कि हमारी भारतीय टीम जो है डे बाय डे काफ़ी अच्छी होती चली जा रही है, ये एक ये भी कारण है मैं समझता हूँ कि छोटे शहरों से काफ़ी प्लेयर निकल कर आ रहे हैं। बाकी 1983 की जो बात आपने की है, मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे भी बिशन पाजी जो थे हमारे सिलेक्टर थे ये लोगों को पता नहीं है कि ये इन्होंने टीम पिक की थी जो 1983 में जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये भी एक आर्ट होता है टीम पिक करने का, ऐसा नहीं है कि आप, मैं भी सिलेक्टर रहा हूँ, कई ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिसमें आपको कई बार गिव अप करना पड़ता है, बट ये होता है कि अगर आप कन्विंस कर दो तो फिर मैं समझता हूँ कि वो बातें जो हैं काफ़ी सुलझ जाती हैं। बाकी देखिए जो 83 का था, जब 83 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता, क्रिकेट जरूर चेंज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड वर्ल्ड कप जब खरीदा गया, जब मिस्टर दालमिया ने खरीदा, वो 100 करोड़ का खरीदा था। आज के दिन जो है बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, आज बिलियन डॉलर का मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप भारत जो उनके राइट्स वगैरह जो भी हैं आप कह सकते हैं वो ले रहा है। तो कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है और ग्रोथ होती है। देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा होना चाहिए। आज अगर आप देखें क्रिकेट का हुआ नाइट, उसके बाद और भी स्पोर्ट्स देखें, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी स्पोर्ट्स में भारत ने कितना अच्छा किया आहिस्ता, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कैरियर आ गया, बच्चों को गवर्नमेंट ने या एसोसिएशन जो भी है प्रोत्साहन देना शुरू किया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आज मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं, मैं समझता हूँ बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, हर चीज़ के स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स मेरे को बहुत खुशी है कि वो भी अपने बच्चों को जो है पुश कर रहे हैं अभी हाँ स्पोर्ट्स के लिए ये। और मैं ये भी आपसे एडवाइस कर रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलें पर खेलें जरूर, पर 83 मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा समय था। अलग थी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन विक्रांत जी ये जानिए, और मैंने किताब में भी ये लिखा है, 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जब प्लेयरों को कुछ कैश मनी देनी थी तो लता मंगेशकर की म्यूजिक कॉन्सर्ट इनको दिल्ली में रखनी पड़ी, और उस म्यूजिक कॉन्सर्ट के जो पैसे मिले वो प्लेयरों को मिले। मुझे लगता है मदन पाजी हमें बताएंगे कितना मिला, पर मुझे लगता है पहले तो शुरुआत में केवल 20,000 रुपये मिल रहे थे पूरे वर्ल्ड कप के, उसके बाद उन्हें 1,00,000 रुपये का चेक दिया गया। आज आप सोचिए विराट कोहली करीब 700-800 करोड़ का एक तरह से खिलाड़ी है, हजार करोड़ का, उसको एक बैट पर स्टिकर लगाने के लिए 20 करोड़ मिलते हैं और इनको 20,000 रुपए मिले वर्ल्ड कप जीतने के लिए। देखिए जमाने में कितना इतना फर्क आ गया। लेकिन हिंदुस्तान में भी 1983 और आज का 2018 बदला है, शायद उस जमाने का 1,00,000 रुपया आज 20 करोड़ के बराबर हो सकता है। एक बात विक्रांत मैं कहना चाहूंगा कि पैसे नहीं है एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, जो इज्जत मान हमें मिली है जीतने के बाद मैं समझता हूँ उस पैसों से भी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे को कभी ऐसा नहीं है, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ या कहीं जाता हूँ मेरे को बहुत खुशी होती है, नॉट कि मैं कोई ऐसा भाई चल के चलता हूँ कि मैं, मेरे गुरूर है मेरे को, जब लोग पहचान लेते हैं, जब लोग कहते हैं जी आपने वर्ल्ड कप जीता, इतनी मेरे को बहुत खुशी मिलती है, इसमें ही मेरे को बहुत इतनी खुशी मेरे को पैसों से शायद ना ही मिलती है, कभी नहीं मिलती मेरे को। तो ये एक लता जी की बात है, लता जी
कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लता जी ने कहते मैं गाना जब तक नहीं गाऊंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमारे में एक खिलाड़ी होता था यशपाल, उसने भूख खूब प्रैक्टिस की। मैं कहा जब वो लता जी गाने लगे मैं कहा अब गाओ भी तो सही साथ में। अब मुंह मत लाओ अब गाओ। तो उन्होंने गाया हाँ नहीं सभी सारी टीम ने उन्होंने पीछे खड़ा करके, पर लता जी बहुत पर्टिकुलर थे इस लता जी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। हाँ बहुत प्रैक्टिस बिल्कुल उन्होंने खुद प्रैक्टिस की, खुद उन्होंने वहाँ आकर अभ्यास किया फिर जाके उन्होंने वो कॉन्सर्ट में वो गए। भाजी आज क्रिकेट सही चल रही है, आज इंडियन टीम नंबर एक नंबर दो नंबर तीन उस तरह की लड़ाई होती है, आप अक्सर जीतते हैं अपने घर पे जीतते ही रहते हैं, विदेश में जाकर कोई भी टीम नहीं जीतती। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट ना बड़ी बोरिंग हो गई है कि बस हर टीम अपने घर में जीतेगी, इंडिया भी उनमें से एक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं इंडिया के पास एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास IPL है, इंडिया के पास ये है, इंडिया के पास वो है। आपके लिहाज से आज इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में कहाँ खड़ा है? आप चाहते हैं कि मैं IPL के बारे में बोलूँ कुछ? बिल्कुल ना ही बोलो तो बेहतर पाजी। लेकिन इतने साल में IPL ने कुछ अच्छा भी किया होगा, मुझे बता दो। आपके जो यंगस्टर्स हैं कई बार वो बिना खौफ के खेलते हैं, कहते हैं आपके ड्रेसिंग रूम में रिकी पॉन्टिंग। हाँ, बिना खौफ के देखो बिल्कुल बिना खौफ के खेलते हैं, बिना खौफ के मैच फिक्सिंग करते हैं, बिना खौफ के बैटिंग करते हैं। क्रिकेट में आपको कोई अच्छी चीज़? मैं ये देखो IPL को मत लाओ इसमें प्लीज, इससे बड़ा स्कैम मेरे विचार में और कोई नहीं है हिंदुस्तान में। किसी को मालूम नहीं है, मैं ईमान से कहता हूँ कि nobody knows here कि IPL का पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। You know, this is exactly what I'm saying. कि अगर हमें इल्म नहीं है ना तो बहुत अच्छा है। पाजी लेकिन ये perception है, हकीकत है? हकीकत है भाई, किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, किसी ने अभी तक, अब किताब गलत हो तो कोर्ट में ले जाओ ना, को गया? पर कोर्ट में प्रूफ भी नहीं हो पाया जो प्लेयर्स पकड़े गए थे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट कैसे आया इन द फ्रे? टेल मी How did Supreme Court come into the fray of Indian cricket? नहीं, Supreme Court तो BCCI चला रहा है, लेकिन वो match fixing का तो कुछ हुआ ही नहीं। IPL कौन चला रहा है? Supreme Court? COA? No, अब COA अब आया ना? IPL तो 10-11 साल हो गए। Second edition of IPL. If you remember, South Africa में went to South Africa. And millions of dollars were taken out of this country without the permission of the finance ministry or the RBI. हम में से कोई है? Who is even concerned? ये नहीं मैं कहना चाहता, देश में नो। लेकिन पार्लियामेंट में बैठे बीजेपी कांग्रेस और जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को चलाती रहेंगी, IPL के लिए दे आर ऑन द सेम पेज सेम प्लेटफॉर्म, एक पार्टी में सब दिख जाते हैं। लेकिन एक विक्रांत है, आपने बड़ी बात कही, मुझे लगता है IPL से एक फर्क आया और मैं समझता हूँ या बिशन सिंह बेदी या मदन लाल इसका जवाब दे, वो अमृतसर से आए लेकिन खेले दिल्ली के लिए, क्योंकि उस जमाने में अगर आप अमृतसर में ही रहते तो शायद आपको मौका नहीं मिलता, आपको बड़े शहर आना पड़ता है। आज के ज़माने में IPL की वजह से छोटे शहरों के जो बच्चे हैं उन्हें बड़े शहरों को आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ ही वहीं खेल सकते हैं, IPL का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है और उनको लोग एक तरह से एक प्रोफाइल उनकी हो जाती है और वो इंडिया के लिए खेलते हैं। हार्दिक पांड्या को देखिए, सूरत से आते हैं, रविंद्र जडेजा राजकोट से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से बच्चे आ रहे हैं और देश के लिए अपना नाम कमा रहे हैं। इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं IPL ने फायदा जरूर क्रिकेट के लिए पहुंचाया। राजदीप प्लीज, IPL शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ इंडियन सिलेक्शन। हाँ वो तो बात आपकी अलग है। T20 खेलिए, जो T20 इंटरस्टेट मैचेस होते हैं, दैट शुड बी द बेसिस, नॉट IPL। सर अब तो T10 IPL, ओके लेट मी क्लैरिफाई दिस, ओके, कि एक खिलाड़ी जो है 14 करोड़ या 17 करोड़ का जो जिसके ऑक्शन पे मिली है, उसी ड्रेसिंग रूम में एक बच्चा वो भी है जिसको शायद 50 लाख या 25-30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ही शेयर इन द सेम ड्रेसिंग रूम, ही डजंट हैव दिस किड ऑफ 25-30 लाख वाला जो जिस खरीदार जो है उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो उस 16-17 करोड़ वाले के पास है। तो पाजी जब आप How does this kid catch up?
The only avenue left for this little kid to catch up with the high and mighty is through match fixing, through betting. अब मैं देखिए तजुर्बा मुझे क्रिकेट का इतना ये बाल सफेद धूप में नहीं हो ऑनेस्टली यू कैन टेल क्या मैचेस में हरकतें क्या हो रही हम अगर बैठे आंखें होते हुए भी हम अंधा बैठे रहें तो फिर द चॉइस इज आवर्स आपने जो बात की जब आप कप्तान थे आपने कहा आज 17 करोड़ का एक खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उस ड्रेसिंग रूम में एक 20-30 लाख रुपए का वो खिलाड़ी जिसके पास वो एबिलिटी नहीं है आप कप्तान बिशन सिंह बेदी उस टीम में कपिल देव नाम का यंगस्टर आया तो वो लॉजिक तो पारी वहां पर भी अप्लाई होता है शायद कपिल देव उस वक्त जब नए आए थे वी वर गेटिंग द सेम अमाउंट इज नॉट द कैप्टन ऑफ इंडिया वाज गेटिंग मोर देन मैं इसलिए स्किल की बात कर रहा था मैं स्किल की बात नहीं स्किल की बात ही कर रहा हूं मैं द मेरिट वाज द सेम द कैप्टन वाज एंड द मैनेजर्स वुड गेट द सेम अलाउंस There's no difference. Now they are contracted. Fair enough. A, B, C contracts हैं ना इनके? D भी है. D भी है. तो फिर? नहीं एक बात है. ये मुझे बताइए कि अगर आप public sector unit में काम कर रहे हैं, ONGC हो या Indian Airlines हो, and you are contracted to the BCCI also, how can you earn from two different places? कोई है illegal कार्रवाई इसमें? So, I was working with State Bank of India. And I'm sorry to bring this case up, but not my intention. State Bank of India में काम करता था मुझे काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए जाना पड़ता था I played for 6-7 years. तो मुझे State Bank में without pay जाना पड़ता था And also to forego my seniority in the bank. Not that I was much of a banker. But I had to go without pay. I couldn't earn at two different places. अब कॉन्ट्रैक्ट IPL का अलग है BCCI का अलग है और पब्लिक सेक्टर का अलग है और तीनों मीटर चल रहे हैं एक बात मेरे को बाजी समझ नहीं आती राजदीप कि हाउ कैन बी यू 10 करोड़ यू नो मेरे को इसी जब ऑक्शन होती है जब इनके पैसे क्या कहूँ पंजाबी में लुटाए जाते हैं तो मेरे को कोई इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं आती मैं कई हमारे जो फाइनेंशियल है लोग जो जिनको मैं थोड़े सीए कर मैं कह यार ये हिसाब किताब तो बताओ ये होता क्या है कैसे है 10 करोड़ एक और अगले साल तो हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे सर उसमें ये है कि जो आज के ओनर्स हैं जो टीम के ओनर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनियाँ हैं उन्हें क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है वो केवल चाहते हैं डिफरेंट बात आ चुकी देखिए कोई भी बिजनेस हो ये बिजनेस कर रहे हैं IPL वाले बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस का पहला मूल मंत्र ये है कि उसका प्रिंसिपल क्या है लेकिन सर वो यू कांट हैव एनी बिजनेस विदाउट प्रिंसिपल सर वो लुक फॉर प्रॉफिट स्ट्रेट अवे सर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक जरिया बन गया है लोग देखना चाहते हैं सर आप सर आप चाहते हैं वो जमाना जिसमें आपको 250 रुपए मिलते थे और अगर आप 4 दिन में मैच जीते थे तो आपके 50 रुपए कट होते थे वो भी एक जमाना था अब वो कौन सा जमाना चाहते हैं वो या टू बी द डेविल्स एडवोकेट अगर क्रिकेटर के पास भाजी आज पैसा आ रहा है उसकी अच्छी लिविंग है मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ अगर उसके पास पैसा आ रहा है विराट कोहली है या रोहित शर्मा है या धोनी है या कोई भी है अगर उसके पास पैसा आ रहा है आज वो कुछ 100 करोड़ 1000 करोड़ में बात कर रहा है तो हर्ज क्या है देखो मुझे कोई हर्ज नहीं भाई हम तो IPL की बात करें मैंने कब कहा मुझे ऑब्जेक्शन है कोई आई एम वेरी हैप्पी एंड इफ यू वांट टू नो कि पैसे की बढ़त करने के लिए जो BCCI में अगर किसी ने स्ट्रगल किया होगा तो शायद उससे वाकिफ नहीं है आप नहीं पाजी आप उससे वाकिफ नहीं है नहीं पाजी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग वी वन 3 सीरीज इन अ रो अंडर अजीत वाडेकर वन इन वेस्ट इंडीज वन इन इंग्लैंड वन अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया एंड वी गॉट स्वीट FA एब्सोल्युटली टिल टुडे मुझे बताओ 3 सीरीज इंडियन टीम ने 2 बाहर 1 कब जीती है अभी तक मुझे बता दो तो लड़ाई आपने कैसे जीती है ये लड़ाई आपने कैसे जीती थी सॉरी उस वक्त आपने BCCI को कैसे बदला पैसा कैसे आया नहीं पैसे आपने कैसे लड़े आप नो नो वी कम्युनिकेटेड माइंड यू दिस वी वर नॉट प्रोफेशनल्स वी वर ऑल एमेचर्स प्रोफेशनलिज्म केम इन क्रिकेट इन मिड 90s राइट और जब से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स शुरू हुए अदरवाइज
सारी हम क्रिकेट एमेचर्स खेलते रहे हैं। नहीं पर विक्रांत भाई आपने कहा कि ये लड़ाई कैसी जीती और ये यहाँ के लोगों को बताना चाहिए, उनकी एक कहानी है। वो कप्तान पहली बार बनते हैं, नागपुर में मैच खेलने जाते हैं दिसंबर के महीने में, या नवंबर दिसंबर या जनवरी के महीने में, जब ठंड बहुत है, और वो देखते हैं केवल कप्तान के कमरे में गर्म पानी है, बाकी सभी प्लेयरों के कमरे में ठंडा पानी था। बिशन सिंह बेदी ने कहा कि जब तक हर कमरे में गर्म पानी नहीं मिलेगा मैं खेलूंगा नहीं। अब ये मुझे लगता है उनकी बढ़िया बात थी एक तरह से उस जमाने में। नहीं यार, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ऐसे ही कुछ कहा था। मैंने ये कहा था कि वी वर पुट अप, कैन यू इमेजिन, वी वर पुट अप इन एमएलए हॉस्टल प्लेइंग फॉर इंडिया अगेंस्ट, इट वाज अनऑफिशियल टेस्ट मैच। आपको एमएलए हॉस्पिटल में रखा, एमएलए हॉस्टल, हॉस्टल हॉस्टल में। मुझे कोई इतराज नहीं है मां से, आज अगर क्रिकेटर अच्छा कमा रहे हैं, मगर जैसे मदन ने बात कही ना अभी पैसे की, पैसा नहीं। आपने क्या कहा था सर, पहले बताइए क्या कहा। मैंने कहा था उनके सेक्रेटरी को बुला के, केलकर नाम था उनका, मैंने कहा देखो ये लोग 30-40 हज़ार लोग जो मैच देखने आ रहे हैं ना, ये आपको देखने नहीं आ रहे, ये बच्चों को देखने आ रहे हैं। तो उसकी दुम पे पाँव आया थोड़ा, दैट वॉज द सोल पर्पज ऑफ इट ऑल्सो, बट ही गॉट वेरी वाइल्ड कि आप भारतीय कप्तान होंगे, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। मैंने कहा अच्छा, एज ए सेक्रेटरी मैं कप्तान, बच्चे हैं मेरे साथ खेल रहे, आई एम वन ऑफ देम, एज ए सेक्रेटरी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन। अब वो ही कुडंट टॉलरेट, उसने मेरी कंप्लेन कर दी बोर्ड को, बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। वहाँ पे हमारे मैनेजर थे बहुत खूबसूरत इंसान, भरत चंद खन्ना, और उसको कहा गया कि आप एक लाइन लिख दो इस सरदार के बखिलाफ, We want to bury him। तो भरत चंद खन्ना पढ़ा लिखा इंसान था, वो कहते हैं मैं इसके खिलाफ क्या लिखूं, इसने अपने लिए क्या मांगा। इंक्वायरी कमेटी बैठी वहाँ पे बॉम्बे में, एंड बॉम्बे मीटिंग थी, इट इज़ वन मैन इंक्वायरी कमेटी, जहाँ पे सब जहान के जो कुराकत चौधरी थे बीसीसीआई के बैठे हुए थे। भरत चंद खन्ना मुझे कहता देखो बिल साहब अफसाना बना दिया इन्होंने, तो वहाँ गर्म पानी नहीं दे पाए, यहाँ 5-स्टार होटल में इंक्वायरी बैठी। और गुलाम साहब हमारे सेक्रेटरी थे, गुलाम साहब कहते बिशन चुप रहना, बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं बोलो। मैं गुलाम साहब आप मुझे डरा रहे क्या, अगर ये मुझे सवाल करेंगे और मैं चुप बैठा रहूं। और सवाल हुए, काफ़ी सवाल हुए, मीटिंग वेंट ऑन फॉर अबाउट गुड आर एंड हाफ, there was NKB Salve, there was Wankhede, there was Chidambaram, all the big shots, then big shots of the BCCI. और PM रुंगटा भी थे जो कि हमारी कब्र खोदने में तुले हुए थे बिल्कुल। सारी बातें जब क्लियर हो गई तो NKB Salve in his political wisdom, he says, no, it was, I think, Wankhede, he says, Bishan, do you think it was all avoidable? I said, yes, it was avoidable, provided you acknowledge that the living conditions in Nagpur at that time were diabolical. Acknowledge karo pehle. Ye bahut zaruri hai, iman se main kehta hu, awaaz uthani. Awaaz uthani aur phir sach ka stand lena. आज हमारा देश अगर स्ट्रगल कर रहा है ना, आप सब देख रहे हो, ईमान से देख रहे हो, वे बी हेडिंग फॉर, हम आवाज़ नहीं उठा रहे। आई लेफ्ट माई होम एट 5 o'clock इन द इवनिंग एंड इट टुक मी 2.5 टू गेट हियर, 2.5 hours टू गेट हियर। क्या हशर है दिल्ली के सड़कों के ऊपर, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बट हम वी आर बेयरिंग इट। शादी का बहुत बड़ा साया है, शादी का बहुत बड़ा साया है, आई एम टेलिंग यू। नहीं, ये ट्रैफिक ज्यादा है। एक बात मैं पाजी आपसे पूछना चाहता, देखिए अभी एक हाल ही में एक किस्सा हुआ था यूपी में, एक लड़के ने सच बोला भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो बच्चे ने तो सच बोल दिया, अच्छा जिसने जिसका जो कल्प्रिट था वो निकल गया, अब जो सच बोलने वाला है वो फंस गया, उसका तो करियर खत्म।
तो बताइए अगर मेरी एक बात मैं लेट मी फिनिश कि अब कौन से बाकी बच्चे खड़े होकर सच बोलने की कोशिश करेंगे जब आपको उसने सच बोलने से ही क्रच कर दिया जिसकी जिंदगी थी जिसने कुछ आगे जाना था उसको बिल्कुल आपने बिल्कुल वो कर दिया तो फिर उसके बाद कैन आई से समथिंग ऑन दिस महात्मा गांधी को अगर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में से धक्का ना मिला होता ना साउथ अफ्रीका में इस मुल्क को आजादी नहीं मिलती नहीं देखिए वो तो मैं ये बताता हूँ एक आदमी उस वक्त कौन सा रेडियो था टेलीविजन था ऐसे मंच कहाँ बनते थे उस वक्त एक आदमी के पीछे सारी दुनिया लगी थी सारा भारत लग गया दैट इज हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस और आज हम बोल रहे हैं सच कैसे बोला था यार कैसी कैसी नौबत आ गई वेयर आर वी हेडिंग फॉर वेयर इज आवर नेशनल और नेशनल सेल्फ एस्टीम इट्स एट अ वेरी लो एब आपको लगता है डेढ़ साल पहले अनिल कुंबले को जिस तरह से कोच हटाया गया आप इतना गदर मजा है जो एक आदमी चाहता है वो किए जाए अनिल कुंबले उसके बाद बोले क्यों नहीं लेकिन अनिल बोले क्या बोले लिए क्यों नहीं लड़ रहे क्या बोलो तो बताओ वो क्या बोलता ही वॉज जेंटलमैन इनफ नॉट टू गेट इन टू द मेस ऑफ यू नो तू तू मैं ही वॉज वेरी वेरी इट वॉज वेरी गुड ऑफ हिम टू ईज आउट एक तरह से हो गया विक्रांत मुझे लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स में वन मैन शो हो गया है उसी तरह से क्रिकेट में भी हो गया है उसका फायदा ही हमारे राजनीति में भी देखिए कहाँ है मंत्री कौन मंत्री है देश का कृषि मंत्री क्या कर रहा है जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या कर रहा है सब चीज सबकी नजरें एक व्यक्ति पर है उसी तरह से हमारी क्रिकेट टीम पर भी है जो विराट कोहली चाहे वही होता है अब इस तरह से अगर आप करोगे कि क्रिकेट भी वन मैन शो बन जाएगा जिस तरह से राजनीति बन रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विक्रांत विराट कोहली को भी लगा होगा कि भले ही अनिल कुंबले ने 600 विकेट लिए हैं लेकिन मैं तय करूंगा कि देश का कोच टीम का कोच राजीव जी मैं सिंपल आप तीन उम्र में तजुर्बे में और शायद काबिलियत में मेरे से बहुत आगे हैं मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अनिल कुंबले को हटाया गया विराट कोहली ने कहा उस पैनल में कौन था उस पैनल में थे सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली वीवीएस लक्ष्मण जी तो वो तीनों कुछ क्यों नहीं बोले वहां सच की लड़ाई कहां गई उसी वजह से कि आज जब वन मैन शो राजनीति में चलता है कौन बोलता है राजनीति मतलब में आप कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली वीवीएस लक्ष्मण जी वो बोल नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते बिल्कुल नहीं कि अगर वो बोलते तो क्या होता तो अगर वो बोलते तो कल उनको अगर BCCI या किसी IPL का कोई बड़ा पद चाहिए मेंटोर चाहिए कोच चाहिए वो मिलता नहीं है आज हर व्यक्ति फिर वो सचिन तेंदुलकर हो या कोई छोटा व्यक्ति हो वो सब अपना स्वार्थ देखते हैं मुझे बहुत कम है ऐसे जो निस्वार्थी है जो वाकई कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट या राजनीति के लिए सब अपनी बड़ी स्टैचू बनाना चाहते हैं अपने आप को कहते हैं कि हमारी 56 की छाती है आज सब कहां कहते नेता हो या क्रिकेटर हो नेता हो या क्रिकेटर हो सब अपना सेल्फ प्रमोशन मार्केटिंग लगातार करते रहते हैं और हम भी उसी चकाचौंध में फंस जाते हैं देखिए मार्केटिंग इतना बड़ा नेता है हम पहले के जमाने में मैं एक उदाहरण पॉलिटिक्स क्योंकि इस बुक में पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई क्रिकेट की बात है जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं 2 साल पहले हुए 2 साल बाद हम सेलिब्रेट करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स किए 2 साल बाद आप सेलिब्रेट करते हैं बांग्लादेश में हम जीते लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ 71 उतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है जितना सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ और उसके बाद आप देखिए डीमोनेटाइजेशन होती है नोटबंदी हुई इसी महीने में 2 साल पहले तब क्या हुआ सेलिब्रेशन तब कहां गए तुम्हारे बड़े एड्स मेरा यह कहना है कि हर चीज को अगर हम मार्केटिंग करेंगे हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट करेंगे क्रिकेट में हो या राजनीति में हो तो कहीं ना कहीं सच्चाई क्या है और झूठ क्या है उसके बीच में फंस जाते हैं आपने अनिल कुंबले की बात कही मुझे नहीं लगता आज तक जनता को पता है कि वाकई क्या हुआ उसी तरह से जनता को आज तक पता नहीं है कि नोटबंदी क्यों की गई वही होता है हम हर चीजों को पर्दे के पीछे रखते हैं ये हमारी आज की सच्चाई है हम लोगों बिशन पाजी ने सही कहा हम सच्चाई से आजकल भागना चाहते हैं
और सच्चाई टीवी चैनल पर भी उनकी बात मैं मानता हूँ। हम क्या करते हैं, एक कांग्रेस का रखते हैं, एक बीजेपी का रखते हैं, उनमें झगड़ा करते हैं और घर जाते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता देश को, वही स्थिति रहती है, वही ना बेरोजगारी के बारे में बात होती है केवल हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उसमें टकराव है, उसमें एक्साइटमेंट है, वो हमारा T20 बन गया एक तरह से, जिसमें एंटरटेनमेंट है, उसमें से जनता का क्या भला होता है जब हम हिंदू मुसलमानों को भिड़ाते हैं, जनता को रोजगार। मैं अभी इंदौर में था, महाकाल मंदिर के बाहर शिव भक्तों से पूछा क्या चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि हमें पहले मंदिर चाहते हैं, सबने कहा पहले हमें रोजगार चाहिए। लेकिन अगर टीवी चैनल पर देखोगे तो दिन भर या तो मंदिर पर या कोई नेशनलिस्टिक देशभक्ति का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह किया जाता है, यही हो रहा है, ये असलियत है। यहाँ IPL का जिक्र करते हैं, मीडिया तो हम ही है, मीडिया तो हम ही है सर, हम भी IPL देखिए किसान, अब देखिए मीडिया तो हम ही है सर, रणवीर सिंह गलत हो रहा है तो हम ही गलत कर रहे हैं इसका मतलब। मैंने विक्रांत भाई जब अभी जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोणे की शादी होती है, देखिए कैसा कवरेज हमने किया है उसके, या तो विराट कोहली और अनुष्का की हुई, उसके साथ साथ जब किसान मरता है या आत्महत्या करता है, कहाँ है हमारी कवरेज, क्योंकि वो हमारे हमारे मीडिया से हट गया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, हमारे मुझे डर है, मैंने ये किताब लिखी क्योंकि मैं चाहता हूँ क्रिकेटरों से लोग प्रेरित हो, लेकिन क्रिकेटर भी उसी दिशा में जा रहे हैं जैसे नेता हमारे जा रहे हैं या फिल्म, हमको वो हम जनता से आज क्रिकेटर का एक कनेक्शन ही हट गया है, वो इतने सुपरस्टार बन गए हैं, इतने VVIP बन गए हैं कि उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। और यही पहले के क्रिकेटरों में ये नहीं था, वो आपसे मिलते थे कहीं भी जाओ। आज मैंने इसी किताब के लिए विश्वनाथ, बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे 70 के दशक में, उनको इंटरव्यू करने गया, वो बीमार थे, मैंने कहा सर मैं आपके घर आऊँगा, उन्होंने कहा नहीं आप मेरे शहर में आए हो, मैं आपको बाहर लेकर जाऊँगा। मैं चैलेंज देता हूँ आज की तारीख में, कोई क्रिकेटर, अगर आज आप क्रिकेटर को फोन करना चाहे आप फोन नहीं कर सकते, आपको पहले उनके एजेंट से बात करनी पड़ती है, तो एजेंट कहेगा कि मैं स्पॉन्सर से पूछूंगा कि मैं स्पॉन्सर का बैज लगा सकता हूं, तो वो क्रिकेटर आपके शो में आएगा, ये सच्चाई है। आपने जाकर कुछ दिनों पहले विराट को, आपके मेंबर ने विराट कोहली का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू किस पर था कि विराट कोहली एडिडास के जूते कैसे पहनते हैं, ये सच्चाई है, प्यूमा के जूते एडिडास वाले, प्यूमा वाले गुस्सा हो गए। लेकिन आपने जब विराट की इंटरव्यू की इस किताब के लिए, आप विराट तक कैसे पहुंचे? सर एक मैं मानता हूं कि मुझे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने बहुत समय दिया, शायद क्योंकि मेरे पिताजी क्रिकेट खेले थे, उनको लगा चलो राजदीप केवल पत्रकार के हैसियत से नहीं आ रहा लेकिन दिलीप सरदेसाई का बेटा होने की हैसियत से आ रहा है, बहुत समय दिया और मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुआ। महेंद्र सिंह धोनी तो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन खुलकर बोले, तो मेरा मुझे लगता है एक्सेप्शन है, लेकिन अगर ज़्यादातर जर्नलिस्ट और ज़्यादा जानते हैं, अगर पत्रकार आज धोनी को इंटरव्यू करना चाहे या कोहली को इंटरव्यू करना चाहे, बगैर उनके एजेंट के अनुमति के या स्पॉन्सर के अनुमति के इंटरव्यू मिलना बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई है। चलिए सर जाते जाते, मेरे ख्याल वक्त थोड़ा कम है पाजी, 77-78 ऑस्ट्रेलिया की टीम, माई अपॉलोजीज, आप दोनों उस टीम के मेंबर थे जो भारत की गई, दौरे से पहले कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज आया, उनके काफ़ी खिलाड़ी उसमें चले गए, बॉब सिम्पसन शायद 42 साल के थे, कप्तान बनकर आए, बड़ी अच्छी सीरीज थी, इंडिया फिर भी हारा। लोग कहते हैं शायद 77-78 के माफिक इस बार ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली कमज़ोर है, क्या इंडिया जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया में? अभी तो समय बताएगा, अब क्योंकि क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना वो तो आप जैसे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। भारतीय टीम अच्छी है, वी ऑल नो, मगर भारतीय टीम, यही टीम साउथ अफ्रीका गई थी, यही टीम इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड की टीम भी बहुत कमज़ोर थी, साउथ अफ्रीका की भी बहुत कमज़ोर थी, अब ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में खेल रहे हैं, बाय द वे और खेल रहे हैं। बैन के बाद जो बैन्स हुए थे, पहली बार टेस्ट क्रिकेट अपने घर में, दो बच्चे बैन हुए हैं ना, वो भी बैट्समैन हुए, सारी टीम जो है दो आदमियों से नहीं बनती, हमारी टीम एक आदमी से बन रही है बाय द वे, बट विराट कोहली हो रही चारों तरफ, या मोदी हो रही है, कोहली हो रही है, यार हम दीवाने हो गए, मां बिल्कुल दीवाने हो गए भाजी, हम नहीं हुए। एक ऑस्ट्रेलिया का अखबार है, आज उसने फ्रंट पेज लगाया है, विराट कोहली एयरपोर्ट पर है और
दो लाइन का हेडलाइन है पूरी अखबार में, ही इज बैक, ही इज बैक. ऑस्ट्रेलिया वाले विराट की तस्वीर लगा के कह रहे हैं ही इज बैक, क्योंकि वो कल ब्रिस्बेन पहुंच गए. यू सी दे हैव देयर ओन वे ऑफ प्रोवोकिंग देयर व्यूज एंड देयर रीडर्स. और आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप कितना बड़ा प्रेशर उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हो एज बैट्समैन एज कप्तान बोथ. उनकी कप्तानी को कैसे आप रैंक करते हैं? मैं अभी ना कुछ कहूँ तो अच्छा है, बेहतर है. तो चार साल तो हो गए उनको कप्तान बने, एक साइकिल चार साल और बने रहेंगे, हम फिर यही बात कहेंगे आपकी कप्तानी उसकी कप्तानी के बारे में क्या. चार साल के बाद भी हम यही कहेंगे. सी इन माय हम्बल ओपिनियन, विराट कोहली की जो इंटेंसिटी है उसका मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद ही और कोई हिंदुस्तानी होगा जो इतना इंटेंस होगा जितना विराट कोहली बेटा. बट विराट कोहली की इंटेंसिटी में और बाकी की टीम की इंटेंसिटी में देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. सिमिलरली विराट कोहली द प्लेयर एंड विराट कोहली द कैप्टन, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस देयर अगेन. ये हम इसी आप लोग हर वक्त फिगर्स लेके बैठे रहते हो. मैंने आपके भी देखता हूँ प्रोग्राम और इवन स्टार टीवी, वी बिकम टू फिगरेटिव, नॉट इनफ इमेजिनेशन इज बीइंग पुट इनटू आवर क्रिकेटिंग सोल. क्रिकेट है क्या भला? शायद हम लोगों को समझ ही नहीं है. ये तो इसका रिफ्लेक्शन ये भी है. आई डोंट थिंक दैट मैं अपने काम की समझ ना हो. नहीं नहीं, बट विक्रांत भाई मैं एक कहूं, आप इस समय विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया वगैरह पर फोकस कर रहे हैं, आज की बात होनी चाहिए आज के हीरोज कौन है. हमारे मेन इन ब्लू नहीं, हमारे विमेन इन ब्लू. yes, हमारी टीम नंबर 1 हो गई है. चलिए सर, ये आपकी अगली किताब का और हमारे पास भी हो गया है. हमारे महिलाओं को पहली बार मौका है कि वो वर्ल्ड T20 जीते. तो राजदीप सर की अगली किताब जो है वो विमेन क्रिकेटर्स पर होगी. मैं जरूर, मेन क्रिकेटर्स पर नहीं होगी. और कहते ना नेकी घर से शुरू करेंगे. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विक्रांत भाई, जो मदन पाजी ने किया 1983 में वो वही मैं चाहता हूँ 2018 में हमारे महिलाएं करें. चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे. एक बहुत ही अच्छे नोट पर ये सेशन एंड हुआ है. लेकिन राजदीप जी फिर भी नहीं माने कि वे विमेन क्रिकेट पर कोई किताब लिखेंगे. उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा. खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का.